आज की वीडियो में हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जिस बंदे ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीता और आज इस बंदे को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। बिकॉज जब ये एक बार शूटिंग के लिए अहमदाबाद जा रहे थे, जब एक सिग्नल पर इनकी गाड़ी रुकी थी, जहां उन्हें एक भिखारी ने देखकर जोर जोर से जेठालाल चिल्लाने लगे। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कितना पॉपुलर है। बट इस बंदे को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब ये 12 वर्ष के थे, तब से ही इन्होंने गुजराती नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था और 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद इस बंदे को टीवी सीरियल में काम मिलने लगा और धीरे धीरे मूवीज में भी छोटा मोटा रोल मिलने लगा, जिसके बाद इस बंदे ने हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किया और अभी तक इस बंदे को पहचान नहीं मिल पाई जिसकी इस बंदे को उम्मीद थी। और फिर 2008 में आया तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने इस बंदे की किस्मत ही बदल दी, बिकॉज इस बंदे को इसमें लीड रोल मिल गया था, जिसके बाद इस बंदे ने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा और अपना नाम बनाने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते चला गया, जिसके लिए इस बंदे को 5 बार टेली अवार्ड और 2 बार आईटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कॉमेडी एक्टर दिलीप जोशी एंड जेठालाल की। दोस्तों, आपको तारक मेहता के उल्टा चश्मा में किसका रोल सबसे अच्छा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।